हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज शप्रा, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ अमेजन हॉल वीडियो। अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में शॉपिंग करी है एंड ये काफी अफोर्डेबल प्राइस रेंज में है। तो इसमें मैं आपके साथ जो कलेक्शन शेयर करने वाली हूँ बेसिकली कैजुअल वेयर टाइप्स है। इसमें मैं आपको कुछ फुटवेयर दिखाऊंगी एंड कुछ आपको लाइक जॉगर्स एंड पैंट्स वगैरह इस तरह का कलेक्शन दिखाऊंगी। आई होप आपके लिए वीडियो बेनिफिशियल रहेगी। अगर होती है तो प्लीज लाइक जरूर करके जाइएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ टी शर्ट, एंड ये बहुत ही अच्छी सी सिंपल सी है जो कि आप आराम से पहन सकते हैं विंटर्स में भी एंड अभी के टाइम पे भी। तो मैंने वो मंगाई है एंड ये आप किसी भी जैकेट वगैरह के नीचे डाल सकते हो। तो उस टाइप से है, वाइट कलर की है, सॉफ्ट फैब्रिक है, राउंड नेक मिल जाता है। तो ये जैकेट्स वगैरह के नीचे बहुत अच्छे से जाएगी। अभी कैजुअल वेयर में ऐसे ही डाल सकते हो। वाइट कलर प्लेन वाइट में मंगाई है तो थोड़ा डिसेंट सा लगता है, और अगर आप चाहें तो इसके ऊपर अपनी क्रिएटिविटी भी दिखा सकते हैं। उस टाइप से है एंड फैब्रिक क्वालिटी अच्छी है। ओवरसाइज टी शर्ट है एंड ये है जून बेरी की। इसका साइज़ है एल एंड इसका प्राइस मैं आपको स्क्रीन पे शो कर दूँगी। तो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस रेंज में थी, डेफिनेटली इसके लिए जा सकते हो। देन नेक्स्ट इसके साथ मैंने मंगाई है एक पैंट कैजुअल वेयर में पहनने के लिए। पैंट नहीं, बेसिकली लाइक ट्रैक पैंट कह सकते हो आप, उस टाइप का है। इलास्टिक वेस्ट बैंड है, दोनों साइड्स में आपको ये पॉकेट मिल जाती है। अपर साइड में, साइड वाली नहीं है, अपर वाली है, अपर साइड वाली है ये। तो उस टाइप की है, सॉफ्ट फैब्रिक है एंड देन इस तरह का ये लुक है। इसमें हैम लाइन है, बेसिकली पजामा टाइप से, और कंफर्टेबल लग रहा है एंड लुक वाइज अच्छा है। ये है सिंबल ब्रांड का, इसका साइज़ है एल एंड इसका प्राइस मैं आपको स्क्रीन पे शो कर दूंगी। तो ये डेली वेयर के लिए सूटेबल है, आराम से आप इसको पहन सकते हैं, कंफर्टेबल रहता है, फुल डे आप इसको आराम से कैरी कर सकते हैं। घर पे अगर आप घर से ही काम करते हैं उसके लिए बहुत ही सूटेबल से रहते हैं ये वाले कपड़े, तो आप आराम से बाई कर सकते हो। मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम शूटिंग नहीं करते तो हम भी इन्हीं तरह के कपड़ों में रहते हैं, लाइक टी शर्ट, पजामा, शॉर्ट इस तरह से, क्योंकि सूट वगैरह पहनना बहुत मुश्किल हो जाता है। और अभी जो गर्मियाँ चल रही हैं उस हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं पहन पाते हैं, तो वो चीज़ रहती है। एंड आप लोगों का कैसे रहता है, आप लोग क्या पहन के रहते हैं, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। सूट पहन के रहते हैं, साड़ी पहन के रहते हैं, या फिर शॉर्ट टी शर्ट वगैरह में, या फिर लोअर पजामा में, तो ज़रूर बताइएगा। एंड नेक्स्ट पीस है हमारा ये, एंड ये मैंने जैगिंग मंगाई है, और ये जैगिंग का साइज़ बहुत ही छोटा सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है बहुत ही छोटी सी है ये, मेरे को बिल्कुल भी नहीं आने वाली है, बहुत ही छोटा रिसीव हो गया है। इलास्टिक वेस्ट बैंड है, स्ट्रेचेबल ठीक ठाक सी है, मतलब ज़्यादा नहीं है। तो कलर इसका हल्का सा ग्रीनिश टोन पे है, उस टाइप का है। एंड ये है मार्क स्पेंसर की जेगिंग, हाई राइज वाली है, और साइज़ इसका छोटा रिसीव हो गया मेरे। साइज़ इसका मेरे को यहाँ पे 634 दिया गया है, EUR 34, जो कि मुझे लग रहा है कि बहुत कम है। तो इसका साइज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा छोटा लग रहा है, और मुझे लगता है इसको एक्सचेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो बिल्कुल भी मुझे किसी एंगल से आएगी नहीं, तो उसका ट्रायल भी मैं आपके साथ नहीं शेयर कर पाऊँगी। और अपने साइज़ के अकॉर्डिंग मैंने किया था, बट मेरे को ये गलती से दूसरा रिसीव हो गया है, छोटा रिसीव हो गया है। तो आप देख सकते हैं, तो इस तरह की इलास्टिक वेस्ट बैंड, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्ट्रेचेबल फैब्रिक है एंड नैरो फिट में मिल जाता है। तो मैंने एक जैगिंग मंगाई थी एंड इसका प्राइस मैं आपको स्क्रीन पे शो कर दूंगी। देन नेक्स्ट है ये, एंड ये मैंने एक पजामा मंगाया विंटर के लिए, और ये कुछ ज़्यादा ही मोटा सा लग रहा है। अंदर फ्लीस वाले फैब्रिक में ये बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल रहते हैं, बहुत कोजी से रहते हैं। मैंने पिछली बार H&M का लिया था एंड मैंने सोचा कि इस बार भी मंगा लेती हूँ, वो बहुत ज़्यादा गर्म रहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्लीस वाला फैब्रिक है, पिंक कलर में मंगाया है, एंड दोनों साइड्स में आपको पॉकेट मिल जाती है। इलास्टिक वेस्ट बैंड है विद ड्रॉ स्ट्रिंग, एंड नीचे से टकिंग वाला पोर्शन मिलता है, तो ये अच्छे से टक हो जाता है और बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल रहते हैं। तो इस तरह की आप शॉपिंग कर सकते हैं, अभी रीजनेबल प्राइस में मिल जाता है क्योंकि सेल चल रही है, तो डेफिनेटली एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये मैंने सिंबल ब्रांड का मंगाया है, इसका साइज़ है एल एंड इसका प्राइस मैं आपको स्क्रीन पे शो कर दूंगी। तो फ्रेंड्स, ये जो कुर्ता मैंने वियर करा हुआ है ये भी अमेजन से ही है, इसकी ऑलरेडी वीडियो आ चुकी है चैनल पे इसके बारे में। अगर आपको जानना है तो आप मेरे अमेजन हॉल वीडियो को सर्च कर सकते हैं एंड वीडियो को देख सकते हैं, तो सारी डिटेल्स आपको वहाँ पर पता चल जाएंगी, इसके लिंक के बारे में, इसके साइज़ के बारे में, इसके फैब्रिक के बारे में, तो वहाँ पर आप चेक कर लीजिएगा। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। तो कैजुअल वेयर के लिए मैंने ये मंगाई है क्रॉक्स की स्लीपर्स, एंड ये बहुत अच्छी रहती हैं, कंफर्टेबल रहती हैं, लाइट वेट है ये। अभी मेरे को उठाने में भी नहीं पता चली कि मैंने हाथ में कुछ उठाया है, एंड साइज़ बिल्कुल परफेक्ट आया है। और ये है ऑफ वाइट कलर में, इसमें कलर वेरिएशंस आपको और भी मिल जाते हैं, अपने अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हैं। साइज़ इसमें मैंने मंगाया W7, जो कि मेरे पैर के साइज़ के हिसाब से है,
एंड अगर आप चाहें तो अपने एक्चुअल साइज़ के लिए जा सकते हैं, काफ़ी अच्छा है, लाइट वेट है, 1100 के आसपास की है। बाकी एक्चुअल प्राइस मैं आपको स्क्रीन पे शो कर दूंगी। हाईली रिकमेंड कर सकती हूँ, डेफिनेटली इनके लिए जा सकते हैं, कंफर्टेबल रहती हैं, और अगर आपको लंबे समय तक के लिए पहनना है तो डेफिनेटली इनको बाई कर सकते हैं। देन अब हम चलते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट पीस की तरफ, वो है ये मैंने अपने हस्बैंड के लिए स्लीपर्स मंगाए हैं बाटा के, और सेल में थोड़े सस्ते मिल गए हैं। इनका जो प्राइस है वो जस्ट 300 समथिंग का ही है, एंड तो उसी टाइप की हैं, जैसा प्राइस वैसी क्वालिटी। तो अगर आप चाहते हैं कुछ लाइक पजामा वगैरह के नीचे पहनने के लिए, या फिर डेली वेयर में नीचे पार्क वगैरह में जाने के लिए पहनने के लिए चाहिए, तो उन्होंने इस पर्पज़ से मंगाई है एंड कम्फर्टेबल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉफ़ी ब्राउन टाइप्स कलर है, काफ़ी अच्छा है, एंड जैसे कहा है भाई 300 रुपीज़ में है और आपको इस तरह का फैंसी टच मिल रहा है तो आप डेफिनेटली एक्सप्लोर कर सकते हो। मस्ट हैव पीस है ये भी, एंड इसका साइज़ उन्होंने मंगाया 9x9, बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग के साथ आया है। और इससे पहले उन्होंने एक स्लीपर और मंगाई थी, मुझे ब्रांड याद नहीं है, बाटा की थी या किसी और की थी, तो वो हल्की सी कंफर्टेबल नहीं थी तो वो हमने वापस कर दी, और हो सकता है उसकी आपको शॉर्ट्स वगैरह देखने के लिए मिले, तो वो शायद वुडलैंड की थी एंड अमेज़न से ही बाई करी थी, तो उसकी आपको शॉर्ट देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि मैंने अभी रखा नहीं है प्रोडक्ट, मैंने वापस कर दिया, तो उसके आपको शॉर्ट देखने के लिए मिलेगी। वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, कंफर्टेबल नहीं थी, उन्होंने थोड़ा सा वॉक करके देखा तो उन्हें बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, एंड इसमें कंफर्टेबल है, लाइक आराम से पहन रहे हैं, तो आप इसके लिए जा सकते हैं, अपने हस्बैंड के लिए बाय कर सकते हैं, अपने फादर के लिए बाय कर सकते हैं, तो डेफिनेटली एक्सप्लोर कर लीजिएगा। लिंक्स मैंने सारे नीचे प्रोवाइड कर दिए, डू एक्सप्लोर। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर करके जाइएगा, और मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास में बेल आइकन उसे जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी कभी मैं वीडियो डालूंगी आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप उसको सबसे पहले देख पाएंगे। अमेज़न पर अभी सेल चल भी रही है और आगे और भी आएगी दिवाली तक, तो जल्दी से अपनी कार्ट को बिल्डअप करके रखिए, जो भी चीज़ आपको अच्छी लग रही है तुरंत बाय कर लीजिएगा, क्योंकि आउट ऑफ स्टॉक होते देर नहीं लग रही है प्रोडक्ट्स को, और काफ़ी अच्छे डिस्काउंट पे मिल रहा है, तो आप चेक कर लीजिएगा, अप टू 80% तक का मिल जाता है। एंड कमेंट करके बताइएगा इनमें से आपको कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी लगी, और आप मेरे को फॉलो कर लीजिएगा इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे, और मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।